अस्सलाम वालेकुम, रमजान सीरीज एपिसोड 23 में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार क्रिस्पी क्रंची पोटैटो व्हील। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने 6 उबले हुए आलू लेने हैं, उनको एक बर्तन में डालकर मैशर के साथ आपने अच्छे से मैश कर लेना है। फिर आपने कटा हुआ 1 प्याज और टमाटर, 3 सब्ज मिर्चें कटी हुई, 4 चम्मच आपने कटा हुआ धनिया और 2 चम्मच आपने कटा हुआ पुदीना और तमाम बताए हुए आपने मसाले लेने हैं। सब चीजों को आपने आलू में डालकर मैशर के साथ मैश कर लेना है। ब्रेड क्रम्स के लिए आपने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, उनको तोड़कर मिक्सर वाले जग में डालकर उनको क्रश कर लेना है। आपके ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हैं। अंडे के साथ कोटिंग के लिए 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 4 अंडों को आपने एक बर्तन में डालकर फेंट लेना है। आपने तमाम आलू के मिक्सचर की बॉल्स बना लेनी है। फिर हर बॉल की आपने टिक्की बनानी है। टिक्की बनाने के बाद आपने कोई भी छोटा सा ढक्कन लेना है, आपने उसको दरमियान से प्रेस करना है और उसका अंदर सुराख कर देना है। आपने सब बॉल्स की बिल्कुल ऐसे ही शेप बना लेनी है। हमारी पोटैटो व्हील की शेप बिल्कुल तैयार है। अब हम करेंगे कोटिंग। सबसे पहले हम पोटैटो व्हील को अंडे में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। हम इसकी 2 बार कोटिंग करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने। जब आप लोगों ने इसको अंडे में डिप करना है तो बहुत ही मजबूती से पकड़ना है, वरना ये अंदर ही टूट जाएगा। बाकी सब पोटैटो व्हील्स की भी आपने इसी तरह से कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसको करेंगे फ्राई। आपने गर्म तेल में मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारे क्रिस्पी पोटैटो व्हील बिल्कुल तैयार है। मेरी तरफ से सबको आज की इफ्तार मुबारक। मिलते हैं रमजान सीरीज एपिसोड 24 सना फूड मीडिया पर।